हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस फिजिक्स लेक्चर सीरीज़ फॉर नीट एट क्यूबिट ट्यूटोरियल। एंड मैं धन्यवाद दे रहा हूँ अमर सर का, जिन्होंने कि मुझे ये मौका दिया इस लेक्चर सीरीज़ को कंडक्ट कराने का। देखिए, आप YouTube पे बहुत सारे वीडियो ऐसे पाएंगे जहाँ पर नीट फिजिक्स से जुड़ी हुई बातें लोग कर रहे होते हैं उसके बारे में। तो क्वेश्चन है कि ये वीडियो या ये चैनल कैसे उनसे अलग होगा? ये वैसा ही कोई प्रमोशनल वीडियो है जो कि आपसे महंगे से वीडियो कोर्स खरीदने कहेगा? ये किस तरह से डिफरेंट है? तो वही, हमारे पास बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी यूट्यूब पे है, तो हम अपना समय क्यों इस पे लगाएं? क्यों हम इस वीडियो को देखें या इस चैनल को सब्सक्राइब करें? देखिए, बड़ा ही वाजिब से सवाल है और इसका एक जवाब हमारे पास है। असल में हम जो भी ये पूरा सीरीज शुरू कर रहे हैं, इसमें हम आपको लेक्चर नोट्स देंगे, प्रॉब्लम सेट देंगे, पीडीएफ नोट देंगे, और ये सब आपको फ्री में मिलेगा। बट प्रॉब्लम फ्री के साथ ये है कि नथिंग इज फ्री। हर चीज़ की कोई ना कोई हिडन कॉज होता है, कुछ शर्तें होती हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ये भी आप पूरी तरह से फ्री नहीं रहेगा जो फ्री का सेंस है। लेकिन हम सीधे आपसे इस तरह से कीमत नहीं लेंगे, इसका पेमेंट हम सीधे आपसे इस तरह से नहीं लेंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि आप हमारे इस प्रयास को डोनेशन दें, आप इस चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम और बेहतर वीडियो को प्रोड्यूस कर सकें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नीट का एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन कि इसका सिलेबस कैसे होता है। देखिए, नीट के जो फिजिक्स का सिलेबस है वो 11th और 12th के दो पार्ट से मिलकर बना है। तो 11th का जो सिलेबस है उसमें हम मोटे मोटे तौर पर तीन हिस्से मान सकते हैं, मैकेनिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स का, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का, और वेव्स का। इसमें सिंपल हार्मोनिक वेव्स की बात हम लोग करते हैं। उसके बाद जो 12th का हिस्सा है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, ऑप्टिक्स हैं और मॉडर्न फिजिक्स हैं। तो इस तरह से कुल मिला के दो हिस्सों में ये पूरा सिलेबस बटा हुआ है, 11th का हिस्सा जो है और 12th का जो हिस्सा है। देखिए, चूँकि एक एग्ज़ामिनेशन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर हम उसका एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन कर लें। तो एक अब जरा सा डिटेल में थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, मेजरमेंट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर पे क्वेश्चन बनता है, एरर एनालिसिस पे, टाइप ऑफ एरर्स पे क्वेश्चन बनता है। एनसीईआरटी में काफ़ी डिटेल में ये सब चीज़ें दी गई हैं, तो ये है इंपॉर्टेंट, अच्छा टॉपिक है, दो क्वेश्चन तो आते ही हैं। फिर सेकेंड यूनिट जो है हमारी, उसमें हम मैकेनिक्स सब पढ़ना शुरू करते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन इस चैप्टर का आप कह सकते हो नाम है, जिसमें कि स्ट्रेट लाइन मोशन में यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, टाइम वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, पोजीशन टाइम का ग्राफ, और फिर कैसे एक्सेलरेशन, ग्राफिकल ट्रीटमेंट बेसिकली हमें यहाँ सीखना होता है। आपने देखे होंगे क्वेश्चन पेपर्स वगैरह में प्रीवियस ईयर के, कि कुछ पेपर में ऐसा होता है कि कुछ ग्राफ बने होते हैं, एक्स एक्सिस पे कुछ टाइम कुछ दे दिया गया, वाई पे डिस्टेंस, वेलोसिटी, अभी सब दे दिया गया, और फिर हम एक क्वेश्चन वहाँ पर देखते हैं। तो वो असल में ग्राफिकल ट्रीटमेंट ही होता है। फिर स्केलर वेक्टर के कॉन्सेप्ट, यूनिट वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट वगैरह पढ़ते हैं। फिर लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम लोग देखते हैं, न्यूटन्स का इनर्शिया, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं, सर्कुलर मोशन भी यहाँ पर शुरू होता है, वो तो रेक्टिलिनियर का जनरल एक मतलब नेक्स्ट केस है, सेंटीपेटल फोर्स वगैरह क्या होते हैं ये सब पढ़ते हैं। फोर्थ में हम लोग बात करते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर की। देखिए, ये थोड़ा समझने के हिसाब से भी थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, समझने के हिसाब से भी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनिक्स का बहुत ही कोर टॉपिक है। यहाँ पे हमें पोटेंशियल हमेशा से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है फिजिक्स में। जहाँ कहीं पोटेंशियल आता है तो समझ लो आप थोड़ा सा अब कान खड़े हो जाने चाहिए कि यहाँ से अब हम कुछ पा सकते हैं अच्छे
numerical. मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिजिड बॉडी में आप सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इक्विलिब्रियम वगैरह पढ़ते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के डिफरेंट शेप के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ग्रेविटेशन एक ठीक ठाक टॉपिक है, दो तीन क्वेश्चन इस पर रहते हैं, मतलब ऑलमोस्ट स्ट्रेट से क्वेश्चन रहते हैं, इसके फिलोसिटी के क्वेश्चन रहते हैं और डिस्टेंस वगैरह हाइट वगैरह निकालने के क्वेश्चन रहते हैं. एक अच्छा टॉपिक है. जस्ट सैटेलाइट पर भी कुछ फैक्चुअल कभी कभी पूछ लिया तो पूछ लिया. देन हमारे पास बल्क मैटर की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इलास्टिक बिहेवियर, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, ये तीन प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ रखी है, तो इनको थोड़ा सा पढ़ेंगे. बर्नौली थ्योरम वगैरह, रेनॉल्ड नंबर वगैरह पे, फ्लूइड डायनेमिक्स वाला जो पार्ट है वहाँ से हम ठीक ठाक पा जाते हैं, कुछ दो क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर कभी कभार. फिर हमारे पास है हीट एंड टेम्परेचर, जिसमें कि थर्मल एक्सपेंशन और हीट ट्रांसफर, न्यूटन कूलिंग लॉ वगैरह पढ़ते हैं, ये भी अच्छा टॉपिक है. थर्मोडायनेमिक्स भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा आपको केमिस्ट्री का भी यहाँ पर आपको सपोर्ट रहता है. तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, हीट वर्क, इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे क्वेश्चन बनते हैं. और फिर इसी का ही एक पार्ट आगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मैक्सवेल की डेवलप थ्योरी, मैक्सवेल बोल्ज़मैन वगैरह का जो लॉ काम था वो हम यहाँ पर थोड़ा बहुत बात करते हैं. फिर मीन फ्री पाथ वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पे हम लोग इसको पढ़ते हैं. टेंथ पार्ट जो है वो ऑसिलेशन वेव का होता है. देखिए ये वेव वाला जो हिस्सा होता है यहाँ से हमें अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, वो मतलब डिसाइडिंग क्वेश्चन यहाँ से हम पा जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन पा जाते हैं यहाँ पर. सेकेंड पार्ट हमारा शुरू होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो यहाँ इलेक्ट्रिकल चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम 10 से 15 क्वेश्चन मिलते हैं हमें हर साल, ये बहुत अच्छा टॉपिक है. मैकेनिक्स के ही इक्विवेलेंट से फर्स्ट पार्ट में मैकेनिक्स का जो रुतबा है वही रुतबा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वगैरह का है. तो इसमें कंडक्टर, इंसुलेटर, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, टू चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस, डाइपोल वगैरह सब के बारे में बात होती है. एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर के बीच में, तो डायलेक्ट्रिक का इन्वॉल्वमेंट होता है. अगर हम कैपेसिटर्स को आपस में जोड़े पैरेलल सीरीज अरेंजमेंट में तो किस लॉ से जुड़ते हैं, वो सब होता है. इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट में हम पढ़ते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस कंडक्टर में कैसे होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी उसकी पढ़ाई जाती है, फिर उनका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, फिर आता है किरचॉफ लॉ. देखिए इस लॉ की हेल्प से अगर हमें एक सर्किट दिया गया हो तो उसमें से इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस वगैरह है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. पोटेंशियोमीटर वगैरह भी यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं. थर्ड पार्ट जो है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट है और मैग्नेटिज्म है. तो अगर एक तार है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, तो ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट था कि उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है. अब अगर पहले से एक मैग्नेटिक फील्ड में हमने इस तार को रखा है तो दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगी, तो ऊर्जाएं इंटरेक्ट करेंगी, तो कुछ ऊर्जा वाला ही कुछ होगा, तो वो टॉर्क लगता है तो कैसे लगेगा, लूप पर टॉर्क लगेगा कैसे लगेगा, वो सब लोग यहाँ पर पढ़ते हैं. मैग्नेटिक डायपोल कैसे बनते हैं, बार मैग्नेट रख दें एक मैग्नेटिक फील्ड में तो कैसे उस पर काम करेगा मैग्नेटिक इफेक्ट, वो काम होता है. अर्थ क्यों कैसे एक मैग्नेटिक तरह से हम लोग नापते हैं वो भी यहाँ पर देखते हैं. पैराडाया फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं वो यहाँ पर पढ़ाया जाता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैक्टर जो परमानेंट मैग्नेट वगैरह है वो हिस्सा रहता है. अब फोर्थ फेराडे का काम है, फेराडे लॉ वगैरह पे होते हैं, लेंज लॉ, एडी करंट्स वगैरह, सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस पे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं. इनका एप्लीकेशन हम LCR सर्किट वगैरह में करते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन LCCR LR सर्किट, तो कहाँ वैसे कहाँ पे क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, ऐसे सर्किट्स में क्या होता है, वाटलेस करंट कैसे होती है, जनरेटेड ट्रांसफार्मर भी कभी कभार उस पर कुछ रह जाता है. फिफ्थ वैसे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दिस इज वेरी क्लोज, दिस इज मतलब माय फेवरेट, काम करने का मौका मिला और मैंने इस थ्योरी को एक इसके मतलब इसके जो सबसे व्यापक फॉर्म है वो उसमें तो कुछ देखा है. हालांकि बहुत उतना भी मैं अपने आप को नहीं कह सकता मैंने वो सब देखा है, लेकिन मैंने इसकी एक्सटेंसिव स्टडी की है. तो इट्स अ वेरी मार्वलस थ्योरी. मैक्सवेल का काम जो कि अनमैच्ड है, आइंस्टीन अगर अपने जीवन में किसी को आइडियल मानते रहे हैं तो वो मैक्सवेल को मानते रहे हैं. आप सोच सकते हैं आइंस्टीन कितनों के आइडियल है, उनके आइडियल मैक्सवेल थे और उनकी ये थ्योरी है. देन सिक्स्थ पार्ट में हम ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मैग्नीफिकेशन पावर, थिन लेंसेस के कॉम्बिनेशन, मिरर वगैरह से कैसे, प्रिज्म से कैसे वो होता है, स्कैटरिंग कैसे होती है, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं. तो ये थोड़ा सा वो वाला हिस्सा होगा, लेंस मिरर वाला. वेव ऑप्टिक्स में हम इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन, हाइगेंस के लॉ वगैरह पढ़ते हैं, उन पर न्यूमेरिकल पा जाते हैं, अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं वहाँ पर. देन हम शुरू एंटर करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, जहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन की थ्योरी, उसका
उसका एक्सप्लेनेशन, फिर कैसे पार्टिकल ड्यूअल नेचर उन्होंने प्रपोज किया, फिर उसी को सिमेट्री के कॉन्सेप्ट से मैटर वेव के फॉर्म में कंसेप्चुलाइज किया डी ब्रॉगली ने, डेविसन जर्मर ने कैसे उनकी इस कॉन्सेप्ट को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, ये भी हम लोग पढ़ते हैं। फिर बोहर की काम बात आती है, कैसे वो एटम के मॉडल को एक्सप्लेन करते हैं। फिर रदरफोर्ड के बारे में बात होती है, कैसे वो न्यूक्लियस के जुड़ा हुआ वर्ल्ड फेमस मतलब गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो बताते हैं कि न्यूक्लियस जैसी क्या चीज़ हो सकती है एटम के सेंटर पे। देन मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन रिएक्शन वगैरह होता है। देन लास्ट में हम लोग एंटर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जहाँ पर सेमीकंडक्टर्स वगैरह के कुछ एप्लीकेशन पढ़ते हैं, जिसमें कि जैसे पीएन जंक्शन डायोड है तो उसका वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एलईडी कैसे काम करती है, फोटो डायोड, सोलर सेल वगैरह क्या होता है, जनरल डायोड रेगुलेटर कैसे होता है, कैसे नॉर्मल डायोड से अलग है, जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, कैसे ये काम करते हैं एम्पलीफायर की तरह से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज लॉजिक गेट्स और नॉर नैन एंड ये सब, इन पर तो टेबल वगैरह पे भी हम देख लेते हैं, न्यूमेरिकल आ जाते हैं। ओके, सो अगला स्टेज है कि हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, क्योंकि फिजिक्स एक अनकंफर्टेबल सब्जेक्ट रहा होता है और टफ महसूस होता है बहुत सारे बायो बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए। कौन सी किताब इसके लिए ज़्यादा बेहतर होगी जिससे हमें तैयारी शुरू करनी चाहिए, इन सारे सवालों के साथ हम इस तैयारी में उतरते हैं और चलिए इनके कुछ जवाब ढूंढते हैं। तो फिजिक्स के साथ जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है कि आप इसको जब खुद करोगे, जब खुद क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितना इन्वॉल्व होगे आप उतना ही ज़्यादा इसको सीखोगे। बहुत ही इंटरैक्टिव काइंड का सब्जेक्ट है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिव लर्निंग करनी होती है। जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, उसको उसके बारे में सोचते हो, उसके साथ अटेम्प्ट करते हो, फेल होते हो, तो असल में आप उस टॉपिक को सीख रहे होते हो। आपको लगे कि आपने क्वेश्चन किया और नहीं सॉल्व हुआ तो वो फेलियर नहीं है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड दिस इज़ द ओनली प्रोसेस टू गेटिंग कमांड ओवर दिस सब्जेक्ट। यू कैन से एक शॉर्टकट है या मैजिकल ट्रिक है, वो यही है कि सॉल्व इन्वॉल्व इन अ क्वेश्चन। एनसीईआरटी को एज अ बेसिक बुक आप मान सकते हैं, भले ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली ना हो सेल्फ रीडिंग के लिए, बट इट इज़ द बेस्ट। बहुत ही कंडेंस बुक लिखी गई है, इसका हर पैरा हर लाइन अपने आप में प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट्स के साथ इन्वॉल्व रहता है। बहुत ही गुणी लोगों ने इसको लिखा है। एनसीईआरटी के साथ अगर आप दूसरी किताब को अटैच करना चाहते हो, एससी वर्मा की एक अच्छी किताब लिखी हैं, दो किताबें हैं, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स लिखी हैं, ऐसे को देखें, ऐसे पब्लिकेशन को ले जहाँ से ऑथेंटिक हो। आईआईटी लेवल क्वेश्चन मत सॉल्व करिएगा, प्लीज़ अपने लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो आगे भी हम लोग बात करते रहेंगे। हैप्पी लर्निंग।